पेश हैं हरियाणा पंजाब की बड़ी खबरें। नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर सोमवार को हरियाणा में किसानों ने सड़कों और रेल मार्गों को जाम कर दिया। चरखे दादरी के फतेहगढ़ में किसानों ने रेलवे ट्रैक रोक दिया। जिले में 15 जगहों पर सड़क मार्ग जाम किए गए, वहीं 4 बजते ही किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। किसानों ने एक सुर में कहा कि आज का बंद सफल रहा, पूरे देश में इसका असर दिखा। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर जारी आंदोलन में शामिल पंजाब के एक और किसान की सोमवार सुबह मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। मृतक की पहचान पंजाब के जिला जालंधर के गाँव खेला के रहने वाले बघेल राम के तौर पर हुई है, जो कुंडली बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल होने आए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई पुलिस सब इंस्पेक्टर महिला पुरुष की लिखित परीक्षा में पूछे गए अजीब सवालों पर अभ्यर्थी पशुपेश में पड़ गए। परीक्षा में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की खासियत के बारे में सवाल पूछा गया। इसके साथ ही विकल्प के तौर पर अविवाहित शब्द दिया गया। कड़ी सुरक्षा में हुई परीक्षा के 71 नंबर प्रश्न के तौर पर गृह मंत्री अनिल विज की खासियत पूछी गई। इसके सवाल के जवाब में 4 विकल्प दिए गए। क्या वे उच्च शिक्षित हैं, पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं, वे अविवाहित हैं या वे पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। पंजाब से सुखद खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा वेरिएंट का कोई भी मामला अभी तक नहीं मिला है। यह खुलासा 150 मरीजों की जांच में हुआ है। पटियाला में कोरोना के इस नए वेरिएंट की जांच के लिए प्रयोगशाला में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नैनोपोर्ट मशीन लगाई गई है। इस नैनोपोर्ट मशीन में अब संदिग्ध मरीजों के नमूनों में नए वेरिएंट की जाँच की जा रही है। अब तक इस मशीन से 150 मरीजों के नमूनों की जाँच की गई, जिसमें अभी तक कोई भी नए वेरिएंट का मामला सामने नहीं आया है। पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश को 48 साल बाद एक और नया सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक पत्र जारी करके पंजाब सरकार द्वारा साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थापित किए गए डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मंजूरी दे दी है। इसमें चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान MBBS की 100 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मंजूरी की पुष्टि की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।